कैसा आवाज, मेरी मम्मा पिंडी बना ली है और मैं यहाँ पे पापा से मैकबुक चलाना सीख रही हूँ। बाय मम्मा। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल सिंपल स्टाइल में भिंडी की सब्जी, जिसे मैंने बैचलर्स को डेडिकेट किया है। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, जिसमें मैंने 4 बड़े चम्मच वेजिटेबल ऑयल और 4 बड़े चम्मच ही सरसों का तेल डाल दिया है। अब इसे थोड़ा गर्म होने देंगे और इसमें कटी हुई भिंडी को हमें करना है फ्राई। इस भिंडी को हम तब तक के लिए फ्राई करेंगे जब तक कि इस पे हल्का सा सुनहरा कलर आना शुरू हो जाएगा। इसमें हमें चम्मच नहीं चलाना है, इसी तरीके से कढ़ाई को उठा उठा कर हिलाएंगे। तो अब भिंडी को मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है हमें 4 से 5 मिनट तक, और इस तरीके से हिलाते रहना है। और ये देखिए हमारी भिंडी कितने बढ़िया तरीके से फ्राई हो गई है। यहाँ पे मैंने बड़े साइज की प्याज स्लाइस ले ली है, 1 हरी मिर्च और 2 टमाटर ले लिए हैं और 1/2 नींबू। अब उसी बचे हुए तेल में हम डालेंगे स्लाइस प्याज और हरी मिर्च, और प्याज को हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर और अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी नींबू का रस। तो 1/2 नींबू का रस मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। नींबू से एक बहुत ही अच्छा टैंगी सा फ्लेवर आ जाता है। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी फ्राई की हुई भिंडी। भिंडी को डालने के बाद हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे और गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे। 1 चम्मच नमक मैं इसमें डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर। सभी चीज़ों को डालकर हल्के हाथ से लकड़ी के चम्मच से मिलाएंगे ताकि भिंडी हमारी टूटे नहीं, क्योंकि हमने भिंडी को फ्राई किया है तो हल्की सी भिंडी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब लो फ्लेम पर हम भिंडी को पकने देंगे, लेकिन भिंडी को ढकेंगे नहीं। ढकने से जो है हमारी भिंडी का जो कलर है वो खराब हो जाएगा, और हल्की भिंडी जब पकने लगेगी फिर हम इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे। इसको इस तरीके से हिलाकर कढ़ाई को भिंडी को इधर उधर करेंगे। तो अब हमें भिंडी के गलने तक भिंडी को पकाना है। हमारी भिंडी को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। दूसरे चूल्हे पे मैंने सोचा गर्मा गर्म रोटी भी पका लूं, क्योंकि माहिरा को लग रही है बहुत जोर की भूख। तो ये लीजिए माहिरा, आपका खाना तैयार है। तो ये लीजिए हमारी गर्मा गर्म भिंडी की सब्जी बनके तैयार है, साथ में रोटी और सैलेड भी है। तो ये हमने माहिरा की प्लेट लगा दी, अब माहिरा को टेस्ट कराते हैं कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी बैचलर्स इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। फिर मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।